स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्टोवेक में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हमारा YouTube चैनल टेक्टोवेक है और इस चैनल के माध्यम से आपको ग्राम पंचायत और उससे संबंधित पोर्टल की जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। तो इसी के तहत आज का हमारा वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स समग्र आईडी में आधार डीलिंग से संबंधित। जैसा कि आप काफ़ी समय से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे गाइस कि काफ़ी सारे लोगों का जो आधार है वो किसी और की समग्र आईडी में लिंक हो गया है या फिर किसी और का आधार आपकी समग्र आईडी में लिंक हो गया है। तो पहले क्या होता था गाइस, इसमें ये फर्स्ट वाला ऑप्शन काम करता था कि जैसे इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदक की समग्र आईडी से अन्य व्यक्ति के दर्ज आधार को हटाने हेतु अनुरोध करें। यानी कि यदि आपकी समग्र आईडी में किसी और व्यक्ति का आधार लिंक हो गया है तो आप जो है वो उसे हटाने का अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी अभी यहाँ पर ये है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आवेदक के आधार को अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से हटाने हेतु अनुरोध। यानी कि यदि आपका आधार किसी और व्यक्ति की समग्र आईडी में लिंक हो गया है तो उसको हटाने के लिए भी आप अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। कल से फ्रेंड्स ये ऑप्शन जो है वो चालू हो चुका है। यदि आपको भी समग्र आईडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये दोनों ऑप्शन पर अपना आवेदन दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आपका आवेदन 2-3 दिनों में या फिर 1-2 दिनों में ही जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और जो आपका आधार है वो अनफ्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि आपका आधार किसी और की आईडी में लिंक हो गया है या कि फिर आपका किसी और का आधार आपकी आईडी में लिंक हो गया है तो आप दोनों ही आवेदन दोनों ही स्थितियों में यहां से कर सकते हैं। ये लिंक जो है वो फ्रेंड्स ओपन हो चुका है। मेरे को आपको ये छोटी सी अपडेट जो है वो देनी थी फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।